हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इंडियन पॉलिटी सीरीज। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। कल हमने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज स्टार्ट की है, राइट। फर्स्ट टॉपिक में हमने नीति आयोग एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये दो बॉडी देख ली है। आज हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये दो टॉपिक कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राइट। अभी बेसिक में ह्यूमन राइट कमीशन नाम में ही है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड की है सबको, राइट, सब सिटीजन्स को। तो यहाँ पे जो अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेट होता है तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस होने चाहिए, उसके लिए कोई तो डॉग वॉच होना चाहिए ना। तो इसीलिए एक ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया है, इसलिए कि जो भी फ्रीडम होता है कॉमन पीपल्स का, वो अगर वायलेट हो जाता है तो ये बॉडी वहाँ पे जाके उनके बिहाफ ऑफ से वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है या किसी हायर लेवल के बॉडी के पास जा सकती है, कि ताकि सोसाइटी में एक लिबर्टी इक्वालिटी रहे और जो कॉमन पीपल है वो डिग्निटी का लाइफ जिए, ठीक है। हर इंडिविजुअल को डिग्निटी का लाइफ जीने का अधिकार है, राइट। तो ये जो बॉडी है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जो लोग जेल में जाते हैं, ठीक है, मतलब जो कैदी होते हैं उनका भी ख्याल ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस बॉडी का डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। ये बॉडी जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये एक्ट से बनाई गई है। इट वॉज इस्टैब्लिश इन 1993 अंडर लेजिस्लेचर इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ 1993, ठीक है। इस एक्ट से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया है। इट वॉज एमेंडेड इन 2006। कमीशन इज अ वॉच डॉग ऑफ राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एंड इट ऑल्सो इट इज गारंटीड बाई दी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल को राइट्स दिए गए हैं उनका प्रोटेक्शन करना और उनके ऊपर वॉचडॉग की तरह काम करना, कि सबके अधिकार जो है वो सबको बराबर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ठीक है। उसके बाद उसका कंपोजिशन देखते हैं। कंपोजिशन में क्या है कि जो एक कमीशन होता है इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, राइट। इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरमैन एंड 8 मेंबर बॉडी। चेयरमैन शुड बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 1 मेंबर शुड बी सर्विंग और रिटायरिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 1 मेंबर शुड बी सर्विंग और रिटायरिंग जज ऑफ हाई कोर्ट एंड 2 पर्सन्स हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स। In addition to these full-time members, commission also has 4 ex-officio members: chairman of National Commission of Minority, National Commission for Scheduled Caste, National Commission of for Scheduled Tribes and National Commission for Women. ठीक है, इनमें से सब एक-एक members होने चाहिए इन body में से, right? मतलब जो ये commission होता है human rights का, तो वहाँ पे chairman जो होते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, एस सीज, एस टीज एंड वुमेन्स, इनके भी एक एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं इस बॉडी में। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? चेयरमैन एंड मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट, बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ 6 मेंबर्स कमिटी, ठीक है। मतलब एक 6 मेंबर्स की कमिटी बनाई जाती है और उनके रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। तो वो 6 मेंबर्स की जो कमिटी होती है उनमें कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं एज अ हेड, सेंट्रल होम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, राइट। ये 5 मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन दिया है, ठीक है, लीडर ऑफ पार्टी नहीं दिया गया है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। Further, the sitting judges of Supreme Court or sitting Chief Justice of High Court can be appointed only after consultation with the Chief Justice of India.
ठीक है, उनको कौन अपॉइंट करता है? आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही उनको अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद उनका जो टर्म होता है ऑफिस का वो कितना होता है? 5 years और अंटिल द एज ऑफ 70 years, विच एवर विल बी अर्लियर। आफ्टर द 10 year चेयरमैन एंड द मेंबर्स नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब जैसे हमने यूपीएससी में देखा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उसमें हमने देखा कि अगर उनकी टेन्योर खत्म हो जाती है चेयरमैन की यूपीएससी में, तो उनको भी फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाती सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में। वैसे ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं या मेंबर्स होते हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर एम्प्लॉयमेंट। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव चेयरमैन और एनी अदर मेंबर फ्रॉम द ऑफिस अंडर द एनी सर्कमस्टेंसेस। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिमूव चेयरमैन एंड मेंबर ऑन द ग्राउंड दैट इज प्रूव टू बी मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इन दिस केसेस प्रेसिडेंट हैज टू रेफर मैटर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंक्वायरी। इफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर इंक्वायरी अपहोल्ड कॉज ऑफ रिमूवल एंड एडवाइसेस, सो देन प्रेसिडेंट कैन रिमूव। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी करने के बाद प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं। उनकी सैलरी जो होती है इट इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये एक्ट से बनाई गई है, इसलिए उनकी जो भी सैलरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है। उसके बाद हम उनका फंक्शंस देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है उनका वो क्या है? टू इंक्वायर इन टू एनी वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट और निग्लिजेंस प्रिवेंशन ऑफ सच वायोलेशन बाय द पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, अब जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स मतलब कौन? जो भी यूपीएससी हो गया, जो सेंट्रल एग्जाम क्वालिफाई करके जो सर्वेंट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं। और अगर इन्होंने कोई वायोलेशन किया ह्यूमन राइट्स का तो उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाना, ये सबसे पहला बेसिक फंक्शन है उनका। टू इंटरवीन इन एनी प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्व एलिगेशन ऑफ वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। टू विजिट जेल टू डिटरमाइन प्लेसेस to study living conditions of inmates and to make recommendations thereon. ठीक है, जैसे हमने firstly discuss किया कि ये जेल में भी directly visit कर सकते हैं, उनकी conditions देख सकते हैं, क्या वो जेल में अच्छी तरह रह रहे हैं, उनको खाना जो दिया जाता है वो अच्छी तरह से दिया जाता है, उनको as a human treat किया जाता है या नहीं, ये सब देखना उनका function होता है। To review constitutional and legal safeguards for protection of human rights and recommend measures for its implementation. मतलब जो भी constitution में हमारे fundamental rights, legal rights provide किए गए हैं, ठीक है, तो उनको safeguard करना, ठीक है, और अगर कुछ measures उनको find out हो गए तो उनको measures suggest करना और इनका implementation हो रहा है या नहीं ये देखना। To study treaties and other international instructions on human rights and make recommendations for their implementations. अब हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ह्यूमन राइट्स के लिए, ठीक है, अगर किसी का ह्यूमन राइट्स वायोलेट होता है, अगर हमारे इंडिया से कोई बाहर जाता है फॉरेन कंट्रीज में सर्विस के लिए या बिजनेस के लिए, और वहाँ पे उधर उनका राइट वायोलेट हो जाता है, तो वहाँ के रूल्स अलग होते हैं इंटरनेशनल के, राइट, तो उनका कोलैबोरेशन हमारे इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ मिलाना ये भी इनका एक काम है। तो यहाँ पे उनको रिकमेंडेशंस करना पड़ता है हमारे इंडिया के पार्लियामेंट में कि इंटरनेशनल रिलेशन मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, ये हमारे इंडिया में भी फॉलो होने चाहिए, ठीक है, ताकि उनके रूल्स रेगुलेशंस हमारे इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कोलैबोरेट करें। टू अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, बराबर, मतलब अगर ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड कोई भी रिसर्च हो तो वो भी एक फंक्शन होता है उनका। टू स्प्रेड ह्यूमन राइट लिटरेसी अमंग पीपल्स, टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ सेफगार्ड्स अवेलेबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, टू एनकरेज एफर्ट्स ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे एनजीओज हैं हमारे इंडिया में। एनजीओज का मतलब क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हेल्प करते हैं ह्यूमन राइट्स
का जहाँ पे भी वायोलेशन हो रहा है उनको प्रोटेक्शन देना, ठीक है, उनको सेफ गार्ड करना, तो उनको एंकरेज करना, ये भी एक फंक्शन होता है इनका। उसके बाद ये वर्क कैसे करते हैं, ठीक है, इट्स हेडक्वार्टर इट इज इन दिल्ली एंड इट कैन ऑल्सो इस्टैब्लिश ऑफिसेस एट अदर प्लेसेस इन इंडिया, ठीक है, मतलब बहुत सारे सिटीज में वो उनका ऑफिसेस इस्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन इनका बेसिक हेडक्वार्टर जो होता है वो दिल्ली में है। वेस्टेड पावर टू रेगुलेट ओन प्रोसीजर एंड ऑल पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट एंड इट्स प्रोसीडिंग्स हैव ज्यूडिशियल कैरेक्टर, ठीक है, इनको एक और पावर दी जाती है, मतलब जो पावर सिविल कोर्ट के पास है, ठीक है, वैसे ही सेम पावर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास भी होती है, मतलब ये क्वासी ज्यूडिशियल पावर भी है। इट हैज़ इट्स ओन न्यूक्लियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्टाफ फॉर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू कंप्लेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट वायोलेशन, ठीक है, अब इनकी एक खुद की बॉडी होती है, इनका खुद का एक ऑफिस होता है और इनका एक खुद का इन्वेस्टिगेशन स्टाफ होता है, वो क्या काम करता है, अगर किसी ह्यूमन बींग का ह्यूमन राइट वायोलेशन होता है तो उनके अगेंस्ट वो कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और उनके ऑन उनके बिहाफ पे वो केसेस डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास ले जा सकते हैं। इट इज़ एम्पावर्ड टू यूटिलाइज सर्विसेज ऑफ एनी ऑफिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पजेस। इट नॉट ओनली एम्पावर्ड टू इंक्वायर इन टू एनी मैटर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ वन ईयर फ्रॉम डेट ऑन वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज कमिटेड, ठीक है, इट इज मतलब इनके पास सिर्फ एक साल की ही इंक्वायरी की परमिशन है, मतलब अगर कोई इंसिडेंस होता है, किसी का ह्यूमन राइट वायोलेशन होता है, लेकिन वो हो गया दो साल बाद, मतलब दो साल पहले ही ह्यूमन राइट का वायोलेशन हुआ है, तो इसके ऊपर ये कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, अगर किसी ह्यूमन बींग का राइट वायोलेट होता है विद इन द वन ईयर विद इन दैट फ्रेमवर्क देन ओनली दे कैन इंक्वायर इन टू दैट मैटर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस, राइट, तो दिस कमीशन मे टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ड्यूरिंग अपॉन द कंप्लीशन ऑफ इट्स इंक्वायरी, ठीक है, अगर किसी का वायोलेट हो रहा है राइट, तो अगर वहाँ पे उनको इंक्वायरी करनी है तो वो फॉलोइंग स्टेप्स कर सकते हैं। इट मे रिकमेंड टू कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी टू मेक पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन और डैमेज टू विक्टिम, मतलब गवर्नमेंट के पास ये जा सकते हैं और उस विक्टिम को पेमेंट देने के लिए, कंपेंसेशन का पेमेंट देने के लिए वो रिकमेंड कर सकते हैं। इट मे रिकमेंड टू कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट द गिल्टी पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने उनका ह्यूमन राइट वायोलेट किया है तो वो गवर्नमेंट के पास जाके उनकी प्रोसीडिंग कर सकते हैं आगे। इट मे रिकमेंड टू कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी फॉर ग्रांट ऑफ इमीडिएट इंटरिम रिलीफ टू विक्टिम, मतलब अगर वो विक्टिम जो है वो बहुत इकोनॉमिकल क्राइसिस में है तो वो गवर्नमेंट के पास रिकमेंड कर सकते हैं कि उनको इमीडिएटली ग्रांट कर दे कुछ फंड्स ताकि उनको रिलीफ मिले। इट मे अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कंसर्न फॉर नेसेसरी डायरेक्शंस ऑर्डर और रिस्ट, जैसे हमने डिस्कस किया वो ऑन बिहाफ ऑफ दैट विक्टिम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। ये तो हो गए स्टेप्स, मतलब जो कमीशन है वो ऐसे फॉलोइंग फोर स्टेप्स कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दैट विक्टिम। अब इनका रोल क्या होता है इस कमीशन का, फंक्शन ऑफ कमीशन आर मेनली रिकमेंडेटरी इन नेचर, मतलब सिर्फ रिकमेंड करना, यहाँ पे इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो एक्शन ले, ठीक है, ये सिर्फ उनको एडवाइस कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। इट हैज नो पावर टू पनिश वायोलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स, किसी ने भी अगर ह्यूमन राइट का वायोलेट किया है या पब्लिक सर्वेंट हो गया या कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए उन्होंने ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन किया है तो वो उनको पनिश नहीं कर सकते, सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं हाई कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके। नॉट टू अवॉर्ड एनी रिलीफ इंक्लूडिंग टू मॉनिटरी रिलीफ टू विक्टिम्स, मतलब ये किसी को फंड्स भी नहीं दे सकते, सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इनको फंड्स दे दीजिए। इट इट्स रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग और कंसर्न गवर्नमेंट्स ऑन अथॉरिटी,
बट इट शुड बी इन्फॉर्म अबाउट एक्शन टेकन ऑन इट्स रिकमेंडेशन विद इन वन मंथ. लेकिन एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इनके पास है कि अगर इन्होंने रिकमेंड किया है, ठीक है, तो एक मंथ के अंदर उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि अब ह्यूमन राइट कमीशन ने ये रिकमेंडेशंस दी है तो आपने इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया. एक मंथ के अंदर उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है उनको. दिस इज द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावरफुल टूल इन देयर हैंड. इट एंजॉयज ग्रेट मटेरियल अथॉरिटी एंड नो गवर्नमेंट कैन इग्नोर इट्स रिकमेंडेशंस. इट हैज लिमिटेड रोल पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस. ठीक है, इसीलिए इसको टूथ विदाउट पैरेट भी बोले जाते हैं, राइट. इन दिस स्पीयर इट मे स्पीक अ रिपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेक इट्स रिकमेंडेशन. सेंट्रल गवर्नमेंट शुड इन्फॉर्म कमीशन ऑफ एक्शंस टेकन ऑन इट्स रिकमेंडेशंस विद इन द 3 months. 3 months के अंदर ही सेंट्रल को इन्फॉर्म करना पड़ता है कमीशन को कि इनके रिकमेंडेशन के ऊपर आपने क्या एक्शन लिया है. इट सबमिट्स इट्स एनुअल स्पेशल रिपोर्ट टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न एंड इट शुड हैज इट्स सो मोटो पावर. ठीक है, मतलब ये खुद रिपोर्ट्स बना सकते हैं, उनके पास ये पावर होती है. दिस रिपोर्ट्स आर लेड बिफोर द रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर अलॉन्ग विद मेमोरेंडम ऑफ एक्शन टेकन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन एंड रीजन ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस. ठीक है, अगर कुछ रिकमेंडेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने दिए है और गवर्नमेंट ने वो एक्सेप्ट नहीं किए है तो उनको वहां पे रीजन देना पड़ता है कि आपने ये रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट क्यों नहीं किए गए हैं. ठीक है, तो ये सब जो पावर है वो दी गई है ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ 2006 के अंदर, राइट. तो ये जो एक्ट बनाई गई है वो अमेंड की गई थी 2006 में, तो उसमें क्या प्रोविजंस डाले गए हैं वो अब हम यहाँ पे देखते हैं. ठीक है, ये जो अमेंड किया गया है वो 2006 में किया गया था. इसमें प्रोविजंस क्या है, रिड्यूसिंग नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन फ्रॉम 5 to 3. ठीक है, 5 मेंबर्स थे पहले, लेकिन बाद में उसको 3 मेंबर्स बॉडी ही बना दिया गया. चेंजिंग इलिजिबिलिटी कंडीशंस फ्रॉम अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन. स्ट्रेंथनिंग इन्वेस्टिगेशन मशीनरीज अवेलेबल विद ह्यूमन राइट कमीशन. Empowering commissions to recommend award for compensation even during the inquiry. Empowering National Human Rights Commission to undertake visits to jail even without the intimation to state government. ठीक है, strengthening procedure from recording of evidence of witnesses. अब यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा major एक चीज़ add की गई है इसमें कि वो रिकॉर्ड कर सकते हैं इविडेंस ऑफ विटनेसेस को. क्लैरिफाइंग दैट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर्स ऑफ रिस्पेक्टिव कमीशन. एनेबलिंग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन टू ट्रांसफर कंप्लेंट्स रिसीव बाय इट्स टू कंसर्न स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन. एनेबलिंग चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन टू एड्रेस रेजिग्नेशन इन राइटिंग टू प्रेसिडेंट. Enabling chairpersons and members of State Human Rights Commission to address resignation in writing to Governor of State. मतलब यहाँ पे जो भी चेयरमैन होते हैं और members होते हैं National Human Rights Commission के, जो members होते हैं या chairpersons होते हैं, उनको resignation President के पास submit करना होता है. और जो State Human Rights Commission के chairman और members होते हैं उनको उनका resignation letter Governor के पास submit करना होता है. Providing that chairpersons of National Commission for Scheduled Caste and National Commission for Scheduled Tribes shall be deemed to be member of National Human Rights Commission. ठीक है, पहले तो ये members नहीं थे, लेकिन बाद में इट्स amendment के बाद उनके जो chairpersons होते हैं उनको भी इस body का member बना दिया गया है. ठीक है, यहाँ तो हमारा National Human Rights Commission खत्म हो जाता है. इसके बाद हम State Human Rights Commission देखते हैं. ठीक है, अब उनका जो फंक्शंस होता है, उनका जो वर्किंग होता है, उनके पास जो पावर होती है वो सेम होती है जस्ट लाइक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. ठीक है, तो सिर्फ उनकी जो डिफरेंसेस है, इस्टैब्लिशमेंट हो गए, कंपोजिशन हो गए, अपॉइंटमेंट, टर्म,
ये डिफरेंट है थोड़ा सा, तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो पावर्स फंक्शंस है वो इट इज सिमिलर टू नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो यहाँ पे हम स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का स्टडी करते हैं। इट इज ऑल्सो ए स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब ये एक्ट से बनाया गया है। कौन से एक्ट से? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ 1993। 23 स्टेट्स हैव कॉन्स्टिट्यूटेड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन थ्रू ऑफिशियल गैजेटेड नोटिफिकेशन। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कैन इंक्वायर इनटू वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स कंसर्न इन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट विच आर इन 7th शेड्यूल, राइट। अब हमारे जो शेड्यूल्स की लिस्ट है उस लिस्ट में 7th शेड्यूल जो है उसमें तीन लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। अब जो ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है इनके पास सिर्फ दो लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं उनके ऊपर ही वो इंक्वायरी बिठा सकते हैं। इफ एनी सच केस इज ऑलरेडी बीइंग इंक्वायर्ड इनटू बाय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन डज नॉट इंक्वायर इनटू दैट केस, ठीक है। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर जो दी गई है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को दी गई है, ठीक है। अगर वो ऑलरेडी इंक्वायरी चल रही है बाय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तो उस पर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इंक्वायर नहीं कर सकती। इनके कंपोजिशन कैसे होते हैं? यहाँ पे टू मेंबर्स होते हैं और एक चेयरपर्सन होता है। चेयरपर्सन शुड बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। वन मेंबर शुड बी सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट और सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज इन स्टेट विद द मिनिमम ऑफ 7 years एक्सपीरियंस एज अ डिस्ट्रिक्ट जज एंड वन पर्सन हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन राइट। ऐसे तीन मेंबर की बॉडी होती है। इनके अपॉइंटमेंट कैसी होती है? चेयरमैन एंड मेंबर्स अपॉइंट बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ 6 members कमिटी, ठीक है। उनके अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं। 6 member कमिटी जो फॉर्म की गई है उनके रिकमेंडेशन से। लेकिन ये 6 member कमिटी में कौन होता है? चेयर हमारे CM होते हैं, चीफ मिनिस्टर एज अ हेड, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। इन केस इफ स्टेट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल देन चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लीडर ऑफ अपोजिशन would have been the member of that committee. Further, in the sitting of High Court or sitting Chief Justice of District Court can be also appointed only after the consultation with the Chief Justice of High Court of that concerned state. ये तो हो गए उनके appointment. और उनकी term of tenure कितनी होती है? ये होती है 5 years या 70 years, whichever will be earlier. After tenure, chairmans and members not eligible for further employment under central and state government. यहाँ पे उनकी रिमूवल प्रोसीजर कैसी होती है? उनको सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं and not the governor. ये चीज बहुत ही ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं लेकिन रिमूवल सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। President has also removed chairman and member on the ground of crude misbehavior and incapacity. In this case, President has to refer matter to Supreme Court for its inquiry. If Supreme Court after inquiry upholds the cause of removal and advise so, then President can remove the member or chairman. ठीक है, मतलब अगर किसी को remove करना है तो उनको Supreme Court की recommendations लेनी पड़ती है, ठीक है। उनकी सैलरीज जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है और उनके जो फंक्शंस एंड वर्किंग होती है इट इज सिमिलर टू नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे जो टॉपिक है दो हमने आज डिस्कस किए हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है कोर्ट, ह्यूमन राइट्स कोर्ट। अब इस कोर्ट का क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है? Protection of Human Rights Act of 1993 also provides for the establishment of Human Rights Court in every district for speedy trial of violation of human rights. ठीक है, अब अगर हम किसी के human rights का violation होता है, अगर हम High Court के पास जाते हैं या Supreme Court के पास जाते हैं,
तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पेंडिंग होते हैं, तो अगर हम और न्यू केसेस लाके वहाँ पे जाए तो वो तो केसेस बहुत हाई लेवल पे जाएगा, मतलब बहुत सालों तक जाएगा वो केस, ऐसे उनके ह्यूमन राइट्स मतलब उनको जस्टिस भी नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी जाए तो क्या फ़ायदा लेट जस्टिस मिलने के बाद। तो ऐसा ना हो, स्पीडीली उनको जस्टिस मिले, स्पीडीली उनका ट्रायल हो जाए, ठीक है, अगर किसी का ह्यूमन राइट का वायोलेशन होता है तो। इसीलिए जब एक्ट बनाई गई थी 1993 में, तभी ये ह्यूमन राइट कोड्स भी बनाए गए थे। ये इस कोड का क्या काम है, स्पीडीली ट्रायल फॉर द वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। दीज कोड्स कैन बी सेट अप बाय स्टेट गवर्नमेंट ओनली विद कंसर्न ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। फॉर एवरी ह्यूमन राइट कोड, स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाइज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अपॉइंट्स एन एडवोकेट हु हैज प्रैक्टिस्ड फॉर 7 years एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, यहाँ पे हमने पूरा डिटेल में ह्यूमन राइट कमीशन डिस्कस किया, उसके बाद हमने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी डिस्कस किया, और नेशनल ह्यूमन राइट कोड जो सेटअप किया गया था बाय प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट इन 1993, ये भी यहाँ पे स्टडी किया है, राइट। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बची है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।